हे हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं स्टडी विद आकाश। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। और हाँ, हम लोग आईपीएससी नॉमिनक्लेचर पढ़ रहे थे, अल्कोहल का आईपीएससी नॉमिनक्लेचर पढ़ रहे थे और आपके सामने ये एक बड़ा सा एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके माध्यम से हम लोग आईपीएससी एज मतलब वो अल्कोहल का आईपीएससी जो नॉमन क्लेचर है उसको हम लोग फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे अल्कोहल के डेरिवेटिव जो कार्बेनॉल होते हैं उनके नॉमन क्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आईपीएससी का नॉमन क्लेचर जो करना है हमें अल्कोहल का, वो आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन हटेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं सब्सिट्यूएंट है या नहीं। आपको तो नजर आ ही रहा होगा, कहीं सब्सिट्यूएंट नजर नहीं आ रहा है, वैसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आइए इसका काम तमाम करते हैं, मतलब आईपीएससी नॉमिनक्लेचर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ यार एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा यार, चैनल को सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैनल को, स्टडी विद आकाश। ठीक है, तो आइए इसको नॉमिनक्लेचर शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो हमें प्राइमरी कार्बन रूल दिमाग में आ गया होगा लॉन्गेस्ट चेन का नाम सुनते ही। ये देखिए प्राइमरी कार्बन एक ये है और एक ये नजर आ रहा है, बाकी तो और कहीं है ही नहीं, दो तो वो है सब, वो क्या कहते हैं उनको, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 4 5, पांच कार्बन की चेन मिली, 1 2 3 4 5, तो भी पांच कार्बन की चेन मिली। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप, जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप इसमें तीन है तो दो ही, लेकिन मतलब नंबर उनके तीन है। ये देखिए एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, और ये एक डबल बॉन्ड भी है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप। लेकिन हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, क्योंकि हम लोग अल्कोहल का आईपीएससी नॉमिनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग ऑल को देंगे, सेकेंडरी सफिक्स को देंगे, अल्कोहल को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए नॉमिनक्लेचर शुरू करते हैं। 1 2 3 and 4 and 5, पांच कार्बन की चेन मिल गई हमें, मिल गया इसका एल्क, क्या मिल गया इसको हमें, पेंट हमें मिल गया इसका एल्क। ठीक है, और देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो कहीं नजर नहीं आ रहा आपका, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, तो हमें ये दो क्या मिल गया, ये फंक्शनल ग्रुप मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं और एक फंक्शनल ग्रुप ये है। तो अब देखते हैं हमें फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पे मिला। तो फोर पे हमें क्या मिला, इन फंक्शनल ग्रुप जो हमारा मिला, मैं इसको आपको क्लियर कर देके देता हूं छोटा छोटा करके। ये देखिए फोर पे हमें जो मिला वो है इन। ठीक है, फोर पे हमें मिला इन, और हमें क्या मिला, टू नंबर पे, एंड थ्री नंबर पे क्या मिला, ऑल। टू एंड थ्री पे हमें क्या मिला, ऑल फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए इसका नॉमिनक्लेचर कर देते हैं हम लोग क्लियर। ठीक है, नॉमिनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि पांच कार्बन है, कहीं सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो पेंट लिख दिया हमने, और हमें क्या मिला फोर पे। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप के नॉमिनक्लेचर में अल्फाबेटिकली देखेंगे ई या ऑल। ठीक है, ई या ऑल कौन सा पहले आता है, ई ए बी सी डी ई। ठीक है, ओ तो बाद में आता है यार, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ओ, अब यहां पे आ गया वो। ये देखिए तो पेंट हमने लिख दिया, सबसे पहले ई आता है, तो ए फोर इन, पेंट फोर इन हो गया आपके सामने, और क्या बच रहा है हमारा, टू टू थ्री डाई ऑल, ये हो गया आपका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेरिवेटिव अल्कोहल के डेरिवेटिव का नॉमिनक्लेचर करते हैं, जैसे कार्बेनॉल। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।